नीचे दिए गए चित्र में ए और बी का अंतर एक समकोण का एक तिहाई है यहाँ ए क्या है बड़ा है और बी छोटा है ये भी ध्यान रखना है कि ये बड़ा है बी छोटा है तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है तो चलिए इसको नाम मान लेते हैं ए ओ बी और इसको कर देते हैं यहाँ सी ठीक ए और बी का अंतर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का अंतर क्या है एक समकोण का एक तिहाई है यानी वन बाई ऑफ नाइन्टी डिग्री यानी कि ये तीस बार में कट गया यानी ए माइनस बराबर यहाँ से क्या गया तीस यानी ए बराबर आप लिख सकते हैं तीस डिग्री और प्लस बी ये पहला समीकरण हो गया ठीक अच्छा दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ सी दोनों का योग जो होगा एक सौ अस्सी डिग्री होगा रैखिक युगम से ये तो आपको पता है चलिए तो यहाँ ये जब पता ही है रैखिक युग्म से होगा ये ग है और ये म है चलिए रैखिक युगम से होगा तो ए ओ सी जो है यहाँ ए है और ये जो है आपका बी ओ सी जो है एंगल बी है बराबर एक सौ अस्सी डिग्री अगर हम एक जगह पे ये वाला मान रखते हैं एक जगह पे तीस प्लस बी थर्टी प्लस बी और ये प्लस में बी है बराबर में एक सौ अस्सी डिग्री चलिए बी ये तीस को इधर लाते हैं ये टू बी हो जाएगा एक सौ अस्सी माइनस तीस ठीक है यानी यहाँ से टू बी बराबर आ जाएगा डेढ़ सौ यानी बी बराबर हो जाएगा क्या डेढ़ सौ दो कट के कितना आ जाएगा पचहत्तर डिग्री ठीक अब जो ये बी का मान है समीकरण एक में रख देते हैं बी का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर ठीक है एक में रखने पर तो बी का मान समीकरण एक में क्या रखेगा तो ए बराबर दिया है तीस प्लस बी यही ना है समीकरण एक तो ए बराबर हो जाएगा तीस और प्लस बी का मान कितना है एक सौ सॉरी पचहत्तर डिग्री तो ये दोनों जोड़ दीजिए तो क्या जाएगा ये का मान एक सौ एक सौ पांच और ये पचहत्तर आ गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो पे आप नंबर